हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। यहाँ पे ये मशीन रखी हुई है, ये हर मॉल में होती है। यहाँ पे 100 बेजा डाल के आप सरप्राइज़ बॉल निकालो, या तो ये वाली चॉकलेट। यहाँ पे ये है ना, ये जो दिख रहा है इसमें चॉकलेट है, और ये जो बेबी मायर के लिए हमने निकाला है ये सरप्राइज़ बॉल है। इसके अंदर रिंग निकली है बेबी मायर की साइज़ की, तो उनके अब्बू ने उनको पहना दिया और बेबी मायर काफ़ी हैप्पी हो गए। 50 पैसा, 50 पैसे का 2 कॉइन्स डालना होता है, यानी 100 पैसा। तो या तो आप कैंडी निकालें, या तो आप ये ऊपर का सरप्राइज़ बॉल निकालें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बकरा सेल हो रहा है। यहाँ पे जुमा की नमाज़ के फौरन बाद ही एक ओमानी ने इसमें बकरा लेकर आया हुआ है भरकर सेल करने के लिए। तो एक बकरे का प्राइस इन्होंने 53 रियाल बताया। यहाँ पे बकरा ओमानी ही सेल कर सकते हैं, नॉन ओमानी नहीं सेल कर सकते हैं। ये लोग अपने गांव से लाते हैं मस्कत में सेल करने के लिए, और ये शाम तक पूरा बिक जाता है। हमने विलेज में देखा था कि यहाँ के बकरे लंबे लंबे बाल वाले और काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन ये वाला बकरा दूसरे टाइप का है, छोटे बाल वाला है और ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है। और ये वाला ये लोग कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं। अब पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसे ही सेल होता है और महंगा भी होता है। हमने थोड़ा सा मटन का कीमा मंगवा के हमने कोफ्ता बना दिया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही फादर इल्ला की शॉप पर भेजना है। और ये चना हम बकरे को देने जा रहे हैं। हमने टेरिस पे ही बकरे को रखा हुआ है, और बेबी मायर को देखिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। टेरिस की लाइट ख़राब है, तो इस वजह से वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं बन पाई है अंधेरे में। और हमारे हस्बैंड ने अपने फ़ोन में फ़ोटो लिया हुआ है, तो कुछ इस तरह से आया हुआ है। और कोफ्ता रेडी हो चुका है हमारा। इसकी रेसिपी हमने बनाई हुई है, हम नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डालेंगे। और हमारा शेर खुरमा भी रेडी हो गया है यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम और ईदुज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद आप पूरी यूट्यूब फैमिली को। हम यहाँ पे शीर खुरमा निकाल दिए हैं अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन हस्बैंड को शीर खुरमा नहीं पीना था, उन्हें पीना था चाय। तो अब हम यहाँ पे अवन में चाय बनाने लग गए हैं। हस्बैंड चाय पीकर जाएंगे नमाज के लिए। यहाँ हमारी चाय रेडी हो गई है, और देखिए ईद की खूबसूरत सुबह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और पुरसकून है ना। ईद की सुबह की बात ही अलग होती है, एकदम ब्यूटीफुल और पुरसकून सी ये सुबह होती है, जो कि काफ़ी बाकी दिनों से काफ़ी डिफरेंट होती है। और यहाँ पे सभी लोग अपना जानमाज लगा करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं नमाज का कि कब नमाज शुरू हो। और यहाँ पे देखिए इतनी लंबी लाइन गई है, ये पेड़ की वजह से पूरा वहाँ तक कैप्चर नहीं हो पाया है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे कोफ्ता फ्राई करने, क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे और फौरन लेकर जाएंगे फादर इल्ला की शॉप पर। तो बस फटाफट से हम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारा कोफ्ता बन करके रेडी हो चुका है, और समोसा भी हमने फ्राई कर दिया है। ये प्लेट में हमने रखा है टिश्यू पेपर लगा के, ताकि अच्छे से ऑयल जो है वो भी पूरा निकल जाए। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से अंदर से बन गया और बहुत ही यमी हुआ है। और जो बचा हुआ कोफ्ता था वो हमने डब्बे में रख दिया है, अब हम इसे फ्रीज़र में डाल देंगे। ये 1-2 हफ्ता हम इसे आराम से चला सकते हैं। और ये देखिए शीर खुरमा भी हम फिर से गरम कर रहे हैं, क्योंकि हमने रात में बनाया था। और यहाँ पे देखिए हमने पैक कर दिया है डब्बे में अच्छे तरीके से शॉप पे ले जाने के लिए। और ये प्याली हमने रख दी है, और चम्मच भी रख दिया है इस तरीके से शीर खुरमा पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए डब्बे में हमने शीर खुरमा रख दिया है, और यहाँ पे हस्बैंड बकरे को लेकर जा रहे हैं कुर्बानी के लिए। यहाँ पे हम नाश्ते में चीकू खा रहे हैं, ये ओमानी चीकू है। यहाँ पे हम पुलाव बना रहे हैं, और यहाँ पे कोयला जला रहे हैं बखूर जलाने के लिए। और पुलाव हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे, एकदम गर्मा गर्म पुलाव।
बखूर जलाना अरब का ट्रेडिशनल है। ये हर अरब कंट्री में इसे रोज शाम को जलाया जाता है ताकि घर में एक फ्रेशनर आ जाए, एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और घर भी सैनिटाइज हो जाए। तो हम हर शाम को जलाते हैं। आज ईद का मौका है तो आज तो हम ज़रूरी जलाएंगे ताकि हमारे घर में एक खूबसूरत सी खुशबू आ जाए। ये ऊद का बखूर है, इसकी खुशबू हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम इस तरह से पूरे घर में धुआं दे देंगे। अभी बेबी मायर सोकर उठ चुके हैं तो अब हम उन्हें रेडी करने जा रहे हैं। ये पठानी सूट है, इस बार हमने बेबी मायर का पठानी सूट लिया हुआ है। शलवार है, कुर्ता है और कुर्ते के नेक पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। हमने इस बार ब्राउन कलर लिया क्योंकि बेबी मायर के ऊपर ब्राउन कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने ले लिया। और यहाँ पे बेबी मायर रेडी हो चुके हैं और अलग अलग पोज दे रहे हैं यहाँ पर। माशाल्लाह पठानी सूट बहुत अच्छा लग रहा है बेबी मायर के ऊपर। और यहाँ पे बेबी मायर खिड़की पे अपने अब्बू का वेट कर रहे हैं, बाहर देखे जा रहे हैं कि अब्बू कब आएंगे। और यहाँ पे देखिए बेबी मायर ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाया हुआ था क्योंकि हमें देखा उन्होंने लगाते हुए, तो उनको भी लगाना था। और हमने देखिए यहाँ पे इस तरह की मेहंदी लगाई हुई है क्योंकि हम रात के 3 बजे मेहंदी लगा रहे थे तो टाइम नहीं मिला डिजाइन बनाने का, तो बस ऐसी ही सिंपल वाली राउंड शेप वाली बना ली हमने। और यहाँ पे गोश्त आ चुका है, अब हम सारा फ्रीज़र में रखेंगे। और यहाँ पे हमने शीरखुरमा को एक डब्बे में निकाल दिया है फ्रिज में रखने के लिए क्योंकि यहाँ की गर्मी में शीरखुरमा ख़राब हो सकता है। और टेरिस पे यहाँ पे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं जो सारे बकरे की गंदगी थी। और वैसे तो हम लगाते हैं टेरिस पे झाड़ू, पर आज हमारे हस्बैंड लगा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारा काम है किचन में। और आज ईद का दूसरा दिन है फ्रेंड, और मौसम देखिए कितना सुहाना हुआ है। धूप आ रही है, जा रही है बार बार। ईद के 2 दिन पहले बारिश भी हुई थी, पर अभी बादल जैसा है, बारिश तो नहीं हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा मौसम हुआ है। आज हमारे घर पे सब लोग आएंगे, पूरी फैमिली इकट्ठे होगी, तो बस हम किचन में तैयारियाँ कर रहे हैं, सब खाना वगैरह बना रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मूंगफली का दाना है, बेबी मायर ने अभी अभी अपने नोज़ में डाल दिया था और बहुत मुश्किलों के बाद ये निकला है। हम तो एकदम डर गए थे क्योंकि हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, बाहर गए हुए थे कुछ सामान लाने। और देखिए बेबी मायर के नोज़ से हमने कैसे कैसे निकाला है, और अभी वो दूध पीने लग गए हैं। नान आ चुकी है यहाँ पर, और मटन 2 प्याज़ा भी रेडी हो चुका है। हमने कुकर में बनाया था, अभी हमने कुकर से निकाल कर दूसरे बर्तन में हमने रख दिया है। और यहाँ हमने पैन गरम कर दिया है फ़िश फ्राई करने के लिए। फ़िश में मसाला हमने दोपहर में ही लगा लिया था ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और सैलेड की तैयारियाँ हमने यहाँ पर कर ली है, बस अभी इसे कट करना है। और यहाँ पर देखिए पराठा हमने दोपहर में बनाया था क्योंकि हमारे ब्रदर इन लॉ आए थे तो उनके लिए हमने बना दिया था। और ये मटर पनीर है, ये हमने बना के डब्बे में रख दिया है ताकि हम बर्तन वॉश कर सके। और ये नीचे दाल फ्राई है इस पतीली में। और यहाँ मटन 2 प्याज़ा हमारा हो गया है, और यहाँ हम फ़िश फ्राई करने लग गए हैं। और हमारे 2 ब्रदर-इन-लॉ आ चुके हैं तो उनके लिए हमने जूस निकाल दिया है यहाँ पर। इस सैलेड को हमने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है हरी पत्तियों वाली, ये जार्जिल है, हमारे फादर इल्ला को बहुत पसंद है हरी पत्तियों वाली सैलेड। और ये मिंट लीफ है यानी पुदीना है, ये इसे भी हमने इस तरीके से रख दिया है। मतलब हरी पत्तियों की सैलेड हमारे फादर इल्ला को बहुत पसंद है तो उनके लिए हमने अलग से इस तरह से रख दिया है। और बाकी अनियन, कैरेट, बीट रूट वाली भी सैलेड जो हमारे यूपी में बनती है नॉर्मली, वो वाली सैलेड भी हमने बनाई है और उसके साथ हमने ये भी अलग से रख दिया है। हरी पत्तियों की सैलेड ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। यहाँ पे बेबी मायर सो गए हैं, यहाँ पे कुछ खिलौने एकदम शांति से पड़े हुए हैं क्योंकि बेबी मायर सो चुके हैं, और बाकी खिलौना हम दूसरी जगह रखते हैं। और भी गेस्ट आ चुके हैं तो हमने उनके लिए जूस निकाला हुआ है यहाँ पे। और अब खाना निकालने की भी तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पनीर निकाल दिया है।
यहाँ पे दस्तरखान रेडी हो चुका है और सब लोग खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पर खाना सबको बहुत पसंद आया। आदिल को और हमारी देवरानी को फ़िश फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद आई और उमर को मटन दो प्याज़ा बहुत पसंद आया। तो इसी तरह से सबको कुछ ना कुछ पसंद आया। अभी टेरिस पे सभी लोग मीठा खा रहे हैं, शीर खुरमा और गुलाब जामुन, और बातें कर रहे हैं। और अभी ओमान का टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है तो यहाँ टेरिस पे ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड और हमारे ब्रदर इन लॉ दोनों लोग खाना खा रहे हैं। अभी सारे गेस्ट जा चुके हैं तो अब हम खाना खाने लग गए हैं। यहाँ पे हमने मटर पनीर ली है और मटन दो प्याज़े का सालन लिया है, और यहाँ पे चिकन लिया हुआ है हमने, और उसके साथ हमने सैलड ली है, जारजिल लिया हुआ है हमने, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है कोक। अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे। और ये हमने तंदूरी नान भी ली हुई है, और ये नान भी ली हुई है, ये पाव वाली। तो पाव वाली नान से ज़्यादा अच्छा लगता है सालन और पनीर। और यहाँ पे हमारी मदर इन लॉ यानी हमारी चची जो है वो हमारे लिए गिफ्ट लाई हुई है। तो चलिए हम अनबॉक्स करते हैं कि क्या है अंदर। तो चलिए बस ओपन करते हैं आपके साथ, हम देखते हैं क्या है। ओ वाओ फ्रेंड्स, ये तो बखूर बर्नल है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। जो हमने आपको आगे वीडियो में दिखाया है बखूर जलाकर हमने पूरे घर में धुआं दिया है एक खूबसूरत सी खुशबू के लिए, तो ये उसी का बर्नल है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं और ये हमें बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच चची, इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। आज ईद का डे 3 है यानी ईद का तीसरा दिन है आज, और हम यहाँ पे जा रहे हैं मिसफा यार्ड पर अपने चचा के यहाँ। मिसफा में हमारे दो चचा रहते हैं यानी हमारे फादर इन लॉ और हमारे ब्रदर इन लॉ ने हमें इनवाइट किया है लंच पर, और उनकी वाइफ इंडिया गई हुई है तो उन्होंने खुद ही कुकिंग की हुई है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है और कैसा बनाया है। हम अपने ब्रदर इन लॉ के हाथ का कुछ पहली बार ट्राई करने वाले हैं, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे कैसा बना है। तो वीडियो में बने रहें आप। मिसफा रूवी से 39 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है और आधा या पौना घंटे का टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में रूवी से। अभी हम अपने ब्रदर इन लॉ के घर पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, और ये सामने पूरा यार्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्क्रैप का बिज़नेस काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, और ये सामने वाला यार्ड हमारे फादर इन लॉ का है। दो यार्ड है, ये सामने जो दिख रहा है ये हमारे फादर इन लॉ का है, और एक और यार्ड है वो यहाँ से नहीं दिख रहा है। और हमारे फादर इन लॉ का 3 या 4 है, हमें अच्छे से कंफर्म नहीं पता है। 3 तो हमें कंफर्म पता है कि हमारे फादर इन लॉ का है, पर एक और चौथा वाला हमें नहीं, हम श्योर नहीं बोल सकते कि चौथा भी है। तो ये सब यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। और यहाँ पे बेबी मायर को देखिए, वो सब लोग PS4 खेल रहे हैं ना गेम, तो उसका जो रिमोट होता है वो सबके हाथों में बेबी मायर देख रहे हैं कि कोई उनको दे दे, उनको बहुत पसंद है। तो देखिए वो कैसे अपने चचू लोग के हाथों में देख रहे हैं कि बस दे दे उनको, वो बस रिमोट की तरफ ही देखे जा रहे हैं। रिमोट नहीं मिला तो फ्रेंड्स देखिए बेबी मायर कितने अफसोस में हो गए हैं। और अभी हो गई है शाम, तो हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं सबके लिए, जो कि हमारी जो ब्रदर इन लॉ की वाइफ है वो है नहीं, तो फिर यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं। और ये नमकीन है, तो यहाँ पे हमको चम्मच वगैरह नहीं मिल रहा है तो हम फॉक को ही लेके उल्टा ऐसे चला रहे हैं, क्योंकि चीज़ें हमको यहाँ मिल नहीं रही है, हमें पता नहीं है चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं, तो बस जो मिल रहा है ढूंढ ढूंढ कर बस उसी से हम अपना काम चला रहे हैं। और यहाँ पे रेडी हो चुकी है चाय हमारी, हमने अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ को सबसे पहले दिया, उसके बाद फिर सबको हम एक एक करके देते जाएंगे।
यहाँ पे थोड़ी सी चाय निकालते वक्त गिर गई थी, तो हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं टिश्यू पेपर से। और हमारे ब्रदर इन-लॉ ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा। हमें टाइम नहीं मिल पाया उस टाइम वीडियो बनाने का, और हम लोग चाय पीने के बाद अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, और माशाल्लाह ईद का पूरा ही दिन अच्छा गुजरा तीनों दिन। और ये ओमान की सीमेंट फैक्ट्री है फ्रेंड्स, ये मिसफा में आती है, और अनसब भी, अनसब और मिसफा दोनों पास ही पास है, तो कुछ लोग अनसब बोलते हैं, कुछ लोग मिसफा बोलते हैं। तो ये ओमान की सीमेंट फैक्ट्री है। और फ्रेंड्स अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।